देख रहे हैं। कौन बनेगा ऋषिकेश का पहला मेयर? इन दिनों चर्चाओं के बाजार में विषय सिर्फ और सिर्फ यही है। शहर में मौसम का मिजाज भले ही ठंडा हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां धीरे धीरे उफान की ओर बढ़ने लगी हैं। इसकी तपिश भी आम और खास सभी लोगों में महसूस की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्य द्वार ऋषिकेश की नगर पालिका को प्रदेश सरकार द्वारा अपग्रेड करके नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। सरकार की घोषणा के बाद अप्रैल माह में संभावित नगर निगम चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक सुरमाओं ने चुनावी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। हालांकि चुनावी अधिसूचना जारी होने में कुछ और वक्त है और नगर निगम में मेयर की सीट सामान्य रहेगी या फिर महिला आरक्षित होगी, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। बावजूद इसके शहर में तमाम संभावित राजनीतिक योद्धाओं ने तीर्थ नगरी को पोस्टर, बैनर और बड़े बड़े होर्डिंगों से पाट दिया है। राष्ट्रीय दलों की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस में चुनावी दंगल से पूर्व सिंबल की लड़ाई को लेकर सियासी घमासान तेज होता नजर आ रहा है। सामान्य सीट होने की सूरत में भाजपा में सिंबल की रेस में फिलहाल कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के खेमे में माने जाने वाले भगत राम कोठारी सबसे आगे बताए जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाल सखा कृष्ण कुमार सिंगल भी इस रेस में बने हुए हैं। अन्य दावेदार में विधानसभा अध्यक्ष के करीबी माने जाने वाले रविंद्र राणा का नाम भी इस फहरिस्त में बताया जा रहा है, जबकि महिला सीट होने पर पूर्व पालिका अध्यक्ष स्नेहलता शर्मा, भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष, राज्य आंदोलनकारी व पूर्व सभासद सरोज डिमरी, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनीता ममगई व भाजपा की जिला उपाध्यक्ष व निवर्तमान सभासद कविता शाम में से किसी एक की लॉटरी लगनी तय मानी जा रही है। कांग्रेस में मेयर के टिकट की दौड़ में सामान्य सीट पर फिलहाल जिला अध्यक्ष जयेंद्र रमोला दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। लेकिन कयास ये भी लग रहे हैं कि दो बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजपाल खरोला पर भी अंतिम समय में पार्टी दांव खेल सकती है। अन्य दावेदारों में निवर्तमान सभासद मनीष शर्मा व सुधीर राय के नामों की चर्चाएं भी चहा चल रही है। महत्वपूर्ण यह भी है कि सामान्य सीट होने की सूरत में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रच चुके निवर्तमान पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा का अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर प्रथम मेयर के रूप में प्रबल प्रत्याशी बनकर उभरना तय है। उधर बसपा से पूर्व सभासद रवि कुमार जैन और विधानसभा प्रत्याशी रहे ललन राजभर के नामों की चर्चा है। पिछले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव में भाजपा से बगावत कर चुनावी तार ठोक चुके संदीप गुप्ता का नाम भी तेजी से उभरकर सामने आया है। इन सब के बीच चुनावी बिसात बिछने से पूर्व तमाम संभावित चुनावी योद्धाओं ने नुक्कड़ बैठ के आरंभ करने के साथ साथ अपने पक्ष में लामबंदी सहित टिकट के लिए अपने राजनीतिक आकाओं की परिक्रमा शुरू कर दी है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश से अमित सूरी की रिपोर्ट। देखिए, नगर निगम ऋषिकेश के मेयर पद को लेकर कई दावेदार हमारे सामने अब तक आ चुके हैं और जो जनता जो चाहती है, मैं भी जो समझता हूँ कि जो हमारा मेयर हो एक तो ईमानदार छवि का इंसान हो, जो सब पार्षद चुने जाए, पार्षदों को साथ में लेकर सबके साथ तालमेल बैठाकर मेयर के पद को सुशोभित करें। और जो तमाम समस्याएं ऋषिकेश में है, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की, बहुत बड़ी समस्या ऋषिकेश में पार्किंग नहीं होने के कारण रोजाना जाम की स्थिति रहती है। सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, बिजली पानी की तमाम योजनाएं हैं कहीं ना कहीं उन पर भी एक चुनौती बनी हुई है। और सबसे बड़ी चुनौती जो होने वाली है वो है ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो नगर निगम में होने पर मिलाए गए हैं उनमें जो विकास है कई वर्षों से रुका हुआ है। बापूग्राम की अगर आप मेन रोड को ले लें, ये तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर, क्योंकि वो विस्थापित क्षेत्र भी उसमें है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी वन भूमि का मुद्दा भी चल रहा है, और क्योंकि वहाँ पर बिजली पानी सिविल लाइन की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, तो सिविल लाइन एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में रहेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि जो हमारा प्रत्याशी हो वो एक ऐसा प्रत्याशी हो जो अनुभवशील हो, जिसको अनुभव हो, और केवल पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी ना हो, उसको क्षेत्र का पूरा अनुभव हो और जो समझ सके कि भाई ऋषिकेश जो क्षेत्र है, क्योंकि नगर निगम पूरे विधानसभा क्षेत्र के बराबर ही एक चुनाव का मुद्दा रहेगा, तो उसमें तमाम जो मुद्दे हों ऐसे हों कि जिन पर काम हो सके। मेयर चुनाव को देखते हुए ऋषिकेश की जनता इतनी उत्साहित है, वो चाहती है कि मेयर का प्रत्याशी
या मेयर जो एक ऐसा व्यक्ति बने जिसमें सारी खूबियां हो और जो हमेशा हमेशा शहर के विकास के लिए तत्पर रहा हो। और मेयर एक ऐसा ही प्रत्याशी होना चाहिए जो कि बहुत अनुभवी हो और बहुत ज़्यादा कार्यों को कर पाए। देख रही है क्राइम स्टोरी।